दिल्ली में आके 100% क्षमता के साथ चल रही है मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल। दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन का यही हाल, ट्रेन में दाखिल होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का इंतजार। मेट्रो में फिलहाल खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं, सिर्फ सीटों की क्षमता भर सफर कर सकेंगे यात्री। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स के खुले दरवाजे, लेकिन 50% क्षमता के साथ इजाजत। हिमाचल की किन्नौर में बड़ा हादसा, पहाड़ धड़कने से टूरिस्ट गाड़ी पर गिरी चट्टाने, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 3 लोग जख्मी, आसपास के मकानों को भी नुकसान। राहत के लिए मौके पर है आईटीबीपी की टीम, पहाड़ से गिरी चट्टानों ने तोड़ा लोहे का पुल। किन्नौर हादसे में डॉक्टर दीपा शर्मा की मौत, हादसे के कुछ देर पहले ट्विटर पर डाली थी तस्वीरें। दीपा शर्मा ने ट्विटर पर डाला था उसी इलाके का वीडियो, दर्दनाक हादसे में गई जान। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, अब तक 149 ने गंवाई अपनी जान, 50 घायल, करीब 100 लापता। आसमान से बरसी आफत का शिकार हुए महाराष्ट्र के 875 गांव, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सतारा में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 60 साल के बुजुर्ग को बचाया, बुरी तरह से थे जख्मी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के दौरे पर आए थे सीएम उद्धव ठाकरे, अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात का लिया जायजा। रायगढ़ के तालिये गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व सीएम फडणवीस, केंद्र से मदद का दिया भरोसा। कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दारुल उलूमा मदरसा, पीड़ितों को दे रहे हैं आसरा। कोल्हापुर के माही गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम, बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। मध्यप्रदेश के 27 जिलों में आसमान से बरसेगी आफत, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में कुदरत का कहर, नदियों में उफान की वजह से गुजरात से टूटा संपर्क, नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली बही। उज्जैन में शनिवार आज से मूसलाधार बारिश से बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट पर सभी मंदिर पानी में डूबे। राजगढ़ में 24 घंटे की बारिश में आगरा मुंबई राजमार्ग पर आया पानी, फंसी कई गाड़ियां। राजगढ़ में मोहनपुरा डैम से छोड़ा गया 1600 क्यूसेक पानी, आसपास के गांवों में अलर्ट, सड़क संपर्क टूटा। गुजरात में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान, छोटा उदयपुर जिले में NH-56 पर 2 फीट पानी भरा। गुजरात के खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच पहाड़ पर फंसे लोग जान जोखिम में डालकर नीचे उतरे। गुजरात के राजकोट मोरबी रोड पर खतरनाक हादसा, पानी में बह गई कारें। जम्मू कश्मीर में सुबह से हो रही है भारी बारिश, तापमान में गिरावट। केरल के इडुक्की में तेज बरसात, पेरियार ब्रिज के पास मुन्नार रोड धसी। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से 9 की गई जान, 3 लापता, रेस्क्यू जारी। कासगंज में छज्जा गिरने से महिला की मौत, हादसे के बाद मचा कोहराम। आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह, देश कर रहा है शहीदों को नमन। कारगिल युद्ध में 527 रणबांकुरों ने गंवाई थी जान, द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम। खराब मौसम की वजह से कल गया राष्ट्रपति का दौरा, अब श्रीनगर वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया वीडियो, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आज है सावन का पहला सोमवार, उज्जैन में सुबह महाकाल की हुई भस्म आरती। सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में उमड़े भक्त, विश्वनाथ मंदिर में किया पूजन अर्चन। काशी में गंगा तट पर भक्तों ने किया आस्था का स्नान, घाट पर आकर गंगा में लगाई डुबकी। कोरोना काल में सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में जुटे भगवान भोलेनाथ के भक्त, गंगा में डुबकी लगाने के बाद शिव का किया पूजन। हरिद्वार में शिव की ससुराल दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर में लगी भीड़, किया जलाभिषेक। अंबिकापुर में कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हमला, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार के सदस्यों पर लगाया इल्जाम। मथुरा में बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने टोल कर्मी को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, डी पुंदेश्वरी को फूलन देवी बोलकर मजाक उड़ाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में विजय जुलूस के दौरान आपस में भिड़े टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट, 12 से ज्यादा लोग घायल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे पर मेहरबान जनता, मुफ्त बिजली के लिए 7 दिन में 1,39,000 रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में कोरोना नियमों की ढील मिलते ही लापरवाही, गाजीपुर सब्जी मंडी में भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग खत्म। गुजरात में पर्यटक स्थलों और मंदिरों में उमड़ रही है भीड़, कोरोना नियमों की उड़ रही है धज्जियां।
गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा, इंतजार कर रहे लोग बिना टीका लगवाए वापस लौटे। कांवड़ यात्रा पर रोक की वजह से घर घर पहुंचाया जा रहा है गंगा जल, हरिद्वार से यूपी, दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग शहरों के लिए 3000 गंगा जली रवाना। कांवड़ यात्रा पर रोक के बावजूद पुलिस को चकमा देकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंचे 14 कांवड़िए गिरफ्तार, दो दुकानदार भी सामान बेचते पकड़े गए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर ने किसानों पर लगाया हमले का आरोप, गाड़ी में भी तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी गैंग से जुड़े दो बदमाशों की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सतना में 3 तलाक के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, परामर्श केंद्र में चल रही है काउंसलिंग के बीच पति ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ा। विशाखापट्टनम में एक शख्स को पुलिस थाने में जमा कराया 27 लाख के सोने से भरा बैग, बस में यात्रा के दौरान छूटे बैग को मालिक तक पहुंचाने की अपील। महिला सुरक्षा के लिए ग्वालियर पुलिस ने लॉन्च की माई सेफ्टी ऐप, 9000 ऑटो टैक्सी का होगा रजिस्ट्रेशन। गोपालगंज में थोक दवा कारोबारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग, गोली चलाने के बाद नेट कॉलिंग के जरिए बदमाशों ने मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी। भरतपुर में यूपी का एक दरोगा को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार, दहेज के एक मामले को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से मांगे थे रिश्वत। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, थाना प्रभारी लाइन हाजिर, शराब की दुकान पर चलवाया गया बुलडोजर। पटना में मछली कारोबारी की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली में किशन पहलवान गैंग का रेसलर सुनील दहिया गिरफ्तार, एक पिस्टल बरामद, हत्या में एक मामले में थी तलाश। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में व्यापारी के घर डकैती डालने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, लूटे गए 30 लाख रुपए बरामद। यूपी एसटीएफ में एक और बड़ी कामयाबी, 50,000 का इनामी कमलाबाई लखनऊ से गिरफ्तार। नोएडा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। आगरा के एक डॉक्टर के अपहरण मामले में धौलपुर से 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों आरोपी 25,000 के इनामी बदमाश। नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। हरदोई में गला काटकर युवक ने चचेरे भाई की हत्या की, वारदात के बाद गांव में तनाव। एयरफोर्स में एएमएन भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पेपर सॉल्व करवाने वाले गिरोह पर शिकंजा, 4 लोग गिरफ्तार, करीब 5 लाख रुपए बरामद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 22 लाख के हीरे जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, इनकाउंटर में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश। कानपुर में एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना योद्धा सम्मान की जलाई प्रतियां, अपनी मांग नहीं पूरी होने पर भड़के। एटा में जालसाज लिपिक बना जज, फर्जी हस्ताक्षर के जरिए 2 कैदियों की कराई रिहाई, एफआईआर दर्ज। पलवल में छात्र चाकू गोदकर हत्या, 4 के खिलाफ मामला दर्ज। फरीदाबाद में गड्ढे में गिरी गाय का रेस्क्यू, ट्विटर पर सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने जेसीबी की मदद से किया रेस्क्यू। ग्वालियर में धूमेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, 2 लोग नहाते वक्त झरने में फिसले, पिकनिक मनाने पहुंचे थे 8 दोस्त। सीकर में जमीनी विवाद के चलते 2 गुटों में झड़प, गोली लगने से 1 शख्स घायल। सिक्किम में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप, गैंगटॉक के दक्षिण पश्चिम में 11 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। हुगली में 3,000 जूट मिल श्रमिकों की भूख हड़ताल, पुलिस वालों ने जबरन हटाया। लखीमपुर खीरी में एक गन्ने के खेत में अजगर ने हिरण के बच्चे को निगला, वन विभाग के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाईवे पर खाने की तलाश में भटक रहे हाथी, रविवार को सड़क पर सामान से भरी लॉरियों को रोककर खोजते नजर आए। चमोली में बद्रीनाथ धाम यात्रा खोलने को लेकर निकाली गई रैली, कारोबारियों ने कहा यात्रा नहीं खुलने तक जारी रहेगा विरोध।